हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा। आज ReactJS एडवांस ट्यूटोरियल पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के ट्यूटोरियल में मैं यूज रेफ हुक के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज रेफ हुक, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये यूज रेफ हुक का यूज़ क्यों किया जाता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ डॉम में मैनिपुलेशन करना होता है। कुछ डॉम मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? डॉम का मतलब वेब पेज की बात हो रही है। वेब पेज में क्या होता है? हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, डिव है, स्पैन टैग है, ये सब होते हैं। अब मान लीजिए आपको डिप को आपको हाइड करना है, या डिप का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करना है, टेक्स्ट बॉक्स में फोकस करना है, ठीक है। तो ये सब काम जो होते हैं ये डॉम मैनिपुलेशन कहलाते हैं। ये सारा काम हम किससे करते हैं? यूज रेफ हुक से करते हैं। हम ये काम पहले भी करते थे। पहले हम ऐसे करते थे, पहले हमारे पास, आपने देखा होगा, हमारे पास होता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे डॉम के अंदर जो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या डिव है उसकी एक आईडी होती थी। आईडी के थ्रू हम पहले उसको पिक कर लिया करते थे, फिर हमें जो भी उसमें करना होता था, हाइड है, शो है, कलर चेंज, ये सब हम काम पहले करते थे। कैसे करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब और भी तरीके थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी पिक कर लेते थे, और सेलेक्टर के थ्रू भी हम लोग पिक करते थे। बहुत सारे तरीके होते थे और हम डॉम एलिमेंट को पिक करते थे, और फिर हमें उसमें जो भी मैनिपुलेशन करना होता था हम करते थे। सेम वही काम हम यहाँ रिएक्ट के अंदर यूज रेफ के थ्रू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी यूज रेफ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। चलिए अब इसके अलावा यूज रेफ के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने रिएक्ट की वेबसाइट से ये कंटेंट लिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा यूज रेफ का और थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। यहाँ लिखा है कीप इन द माइंड that use ref does not notify you when its content change। मतलब जब आप कुछ DOM में कुछ manipulation करते हैं तो ये आपको बताता नहीं है। कहने का मतलब है आपका component render नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, हमें एक mutable reference object देता है। मतलब ये एक ऐसा object देता है जिसके अंदर हम लोग changes करते रहते हैं। मतलब यहाँ रेंडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसके अंदर खास चीज़ है, इंटरव्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज रेफ को इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, इसे हम बोलेंगे रेफरेंस ऑब्जेक्ट, हमने क्रिएट कर लिया है। उसके अलावा जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स में लगा रखा है, ये आपको डिब में लगाना है, वहाँ आप लगा दीजिएगा। फिर आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट करेंट मिलेगा। करेंट के बाद आपको इसका स्टाइल लगा के कलर चेंज करना है, फोकस करना है, जो मर्जी हो आपको डॉम में जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये सब सिस्टम में करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रिएक्ट ऐप है और जो कि रन भी हो रहा है, ये ब्राउज़र पे चल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन करेंगे यूजिंग यूज रेफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ डॉम बना लेता हूँ। ऐसा करता हूँ एक डिब बनाता हूँ पहले, यहाँ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेता हूँ।
एक बटन बना लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डिप बनाई है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। ये ब्राउज़र पे, एक मिनट इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये वेलकम हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक डिप बनाई है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अब हम इस पे डॉम मैनिपुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज रेफ लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया। उसके अलावा मतलब पहले यूज रेफ हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ रेफ ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी नाम ले लीजिएगा, यूज रेफ। अब इसके अंदर आप जीरो भी पास कर सकते हैं, मतलब वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, नल कर देता हूँ, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो बना रहा हूँ ना मैं नीचे, रेफ ओ बी जे टू यूज रेफ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इनको यहाँ पे लगा देना होता है, रेफ आर ई फी रेफ ओ बी जे वन, ओ बी जे वन। और इसी तरीके से हमें यहाँ भी इसको दूसरे वाले को लगा देते हैं, आर ई एफ ओ वी जे टू। तो मैंने यहाँ पे पहले यूज रेफ को इम्पोर्ट किया, फिर मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, फिर हमने उनको यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या मैनिपुलेशन करना, अब मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, चेंज, ठीक है। चेंज के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ एरो फंक्शन क्रिएट चेंज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डॉम मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट से सेव करके रन करके दिखा देता हूँ, सेव किया, ठीक है। तो ये जो शिशिर शर्मा डिम में लिखा हुआ है, अब इसका मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा रेफ ओ बी जे वन, उसके बाद हमें करंट लिखना होता है, इतना तो हमें लिखना ही लिखना होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मतलब स्टाइल में अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपको स्टाइल लिखना होगा। अब स्टाइल के बाद आपको करना क्या है, मान लो हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मुझे मान लीजिए रेड करना है, ये देखिए रेड कलर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब यही सब काम हम पहले भी करते थे, वहाँ पे पहले हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा कर करते थे, सेम वही काम हम रिएक्ट में करके आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका मैं डिस्प्ले नन करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले नन करते हैं, नन ये हाइड हो जाएगी डिव। रिफ्रेश करता हूँ पहले, शिशिर शर्मा दिख रहा है, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ, देखिए हाइड हो गया, डिप को मैंने हाइड कर दिया। मतलब स्टाइल के बाद देखो मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी कॉल की, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कॉल की, कलर चेंज करना जो मर्जी हो आप कर सकते हैं डॉम के संग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंडरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो और मैं ऐसा करता हूँ, इसके संग कुछ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, फोकस करता हूँ इसके अंदर, डॉट फोकस, ये देखिए फोकस आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, डॉम मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है यूज़ रेफ ओक। बस इसके अंदर बस आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि ये रेंडर नहीं होता है,
मतलब विदाउट रेंडर, जैसे बाकी जो हुक हैं, यूज स्टेट है, वो सब आप देखते हो रेंडर के साथ वर्क करते हैं, ये नहीं, ये नहीं करता, विदाउट रेंडर रेंडरिंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यूज रेफ। और तो मेरा वीडियो आज ये फिनिश होता है, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईजी वे में नॉलेज पहुँच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।